महादेव, आज मैं आप सभी के साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन रूटीन शेयर करूंगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमारे एग्ज़ाम थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो जी हाँ, एग्ज़ाम मॉर्निंग टू नाइट रूटीन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो आवर्स हम या तो मॉर्निंग में अपनी स्टडी को दे पाएंगे या फिर नाइट में, क्योंकि दिन में तो हमें स्कूल में भी जाना होता है। और मैं तो आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि आप सुबह जल्दी उठ के स्टडी करें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाता है। बट रात के टाइम ऐसा नहीं होता, हमारे दिमाग में पूरे दिन की सारी चीजें चल रही होती हैं। इसकी वजह से हम रात में अच्छे तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप मॉर्निंग में स्टडी ज्यादा करोगे या फिर रात के टाइम। और एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो इसको बिल्कुल प्रेशर समझने लग जाते हैं कि हमारे एग्जाम आ चुके, पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह उठते हैं बिना कुछ खाए पिए सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ऐसा करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। सुबह उठो, उसके बाद अपने सारे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो, एंड आफ्टर दैट स्टडी स्टार्ट करो। और इस एग्जाम के टाइम पे आप मेडिटेशन तो जरूर करना। मेडिटेशन एग्जाम प्रेशर को एंड एंग्जायटी को कम करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ ऐसा करने से आप नेगेटिविटी से भी दूर रहते हैं, पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। मेडिटेशन से फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए मैं तो सुबह उठने के बाद एक ग्लास पानी का पीने के बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठ गई। अब एग्जाम टाइम में वर्कआउट करने वाला इतना तो टाइम हमारे पास नहीं होता, बट 5 से 10 मिनट हम मेडिटेशन करने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। अब मैं करूंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें खाली पेट पढ़ने के लिए नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर खाना चाहिए। हमें एग्जाम टाइम पे भी अपनी डाइट का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। नाउ माई ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। और इस टाइम पे बच्चे एक चीज और करते हैं, वो करते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो अपने साथ चाय या कॉफी लेके रखते हैं। हाँ, चाय या कॉफी आपको नींद आने से रोकती है, लेकिन मॉर्निंग में आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। इसके बाद आप 1 से 2 टाइम चाय ले सकते हैं। अब अपना मॉर्निंग का बेसिक काम करने के बाद हम चलते हैं स्टडी रूम में और वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मॉर्निंग में इतना सब कुछ करेंगे तो हमें तो स्कूल के लिए लेट ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब काम करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 minutes लगेंगे, और जब ये सारा काम करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका पढ़ाई में अलग ही मन लगेगा। आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, क्योंकि आपने अपना बेसिक जितना काम था वो सारा कर लिया है, और अब हम 1 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। चलो अब साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको पढ़ते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बढ़िया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठना है जहाँ पे घर वालों का ज्यादा आना जाना ना हो, जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो। और सेकेंड चीज, अपनी डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखना है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे जो हमारी है वो है फोन। अब 1 घंटे का अपना स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हम लेंगे ब्रेक, और अपने इस ब्रेक में मैं तो मॉर्निंग टी को एंजॉय करूंगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस टाइम भी अपने कमरे में मत पड़े रहना, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाना, फ्रेश एयर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब चाय पीते पीते जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था उस सारी चीज को मैं रिवाइज करूंगी। 1/2 घंटे के लिए अब हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा टाइम का स्लॉट तो हम मॉर्निंग में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें स्कूल के लिए भी रेडी होना है, स्कूल में भी जाना है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो स्कूल की छुट्टी मारेंगे। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हैं, और उसके बाद आप अपने स्कूल के लिए निकल जाना। और अब कुछ दिनों के लिए अपने फेवरेट टीवी शोज, वेब सीरीज पे देखो पाबंदी लगा देना, क्योंकि ये चीजें आपके पास हमेशा के लिए रहने वाली है। बट जो ये प्रिपरेशन करने का टाइम है ये हमेशा के लिए नहीं होगा। आप स्कूल से आने के बाद आते ही पढ़ने के लिए नहीं बैठना है, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। अभी आप स्कूल में भी पढ़ के आए तो आपको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपका दोबारा से अच्छे तरीके से फोकस लग पाएगा। और इस टाइम पे आप अपने सर की खुद भी चंपी कर सकते हैं या फिर अपनी मम्मी से भी करवा सकते हैं। अच्छे तरीके से अपनी बैटरी को फुल करने के बाद फिर आप खुद को मोटिवेट करने के लिए बैठ जाना, कुछ मोटिवेशनल कोट्स, स्टोरीज, पॉडकास्ट सुन लेना, जिससे आपको अच्छा मोटिवेशन आएगा और आप दोबारा से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। जब आपको खुद पे डाउट होने लगे ना कि मेरे से होगा
होगा या नहीं, तो उस टाइम इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये करने के बाद फिर आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाना। मैं तो आराम से छत पे बैठ के पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद आज बारिश आने वाली है। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ना, या फिर अगर आपके पास अपना सेपरेट रूम नहीं है तो आप छत पे बैठ के पढ़ लेना, मतलब वहाँ पे बैठना जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और अब हमारा ये 2 घंटे का स्लॉट रहने वाला है, 2 घंटे तक बिल्कुल आराम से मन लगा के स्टडी करेंगे, बीच में 1-5 मिनट का ब्रेक लेंगे। और मेरा 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हुआ, इतनी बार में बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया, एक आधी बारिश भी आने लगी। अब हमने अपना स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है, तो इस टाइम हम बारिश को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको पूरा 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, 1 घंटे तक आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप बाहर चले जाइए खेलने के लिए, बाहर थोड़ी देर के लिए खेल के घूम के आने से ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और उस चीज की आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बारिश का मजा लेने के लिए मैं तो यहाँ पे आराम से बैठ गई हूँ। और ये टाइम कितना ज़्यादा अच्छा होता है जब हमारा काम भी हो रहा होता है और साथ ही साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा इस तरीके के रूटीन को फॉलो किया करो। और अब इस आराम से बारिश के मौसम में बैठ के चाय को एंजॉय करेंगे, इवनिंग टी। इसे 1 घंटे के ब्रेक में बिल्कुल भी प्रेशर टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बिल्कुल एंजॉय करना है। अब 1 घंटे के ब्रेक को एंजॉय करने के बाद हम दोबारा से अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं और सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं, क्योंकि बारिश तो बंद हो चुकी है, बट ठंडी ठंडी हवा तो आने वाली है। अब इस टाइम हमारा दोबारा से 2 घंटे का स्लॉट रहेगा। और हाँ, अब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना, बीच बीच में दूसरे सब्जेक्ट को लेना, जिससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो। और एक क्वेश्चन जो मेरे से कमेंट में पूछा जाता है कि हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर आप सारे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो तो ग्रुप स्टडी अच्छी है, बट मेरे एक्सपीरियंस से तो हम ग्रुप स्टडी कभी भी नहीं कर पाए, हम तो हमेशा मस्ती करते रहते थे, कभी कोई बात छेड़ ली तो कभी कोई बात। इसलिए ग्रुप स्टडी के आइडिए पे आप सबसे पहले अपने ग्रुप को देखना कि क्या आप साथ में बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। अगर हाँ तो देखो आप कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप अकेले बैठ के स्टडी करो, क्योंकि अभी थोड़े दिनों की बात है, फिर इसके बाद आप आराम से मस्ती कर सकते हैं सभी फ्रेंड्स। अब 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हो गया है डिनर का टाइम, तो अब मस्त बैठ के डिनर करेंगे। और हाँ, कोशिश करना कि आप कुछ हेल्दी ही खाओ, ज्यादा मैगी वगैरह पे इन पे डिपेंड मत होना। अब अपने लिए खाना डाल लिया, इसको लेके बाहर बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। अब देखो, आपने 5.5 घंटे की स्टडी कर ली, जो कि बहुत ज्यादा है। आप 4 से 5 घंटे की भी स्टडी अगर करोगे ना, तो तब भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। होप कि ये रूटीन आपकी हेल्प करेगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेशन में बता दो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो अब मिलते हैं परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।